हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर के आए हम लोग, और जिस टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर थेफ्ट एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब, इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे ना, वो गुड्स का लॉस पढ़ेंगे कि गुड्स किन किन रीजन से लॉस होता है। तो देखिए बाबू, एक रीजन है फायर, आग लगने से गुड्स का लॉस हो जाता है, चोरी होता है अगर उसके कारण से लॉस हो जाता है, और लॉस इन ट्रांजिस्ट भी हो सकता है, अगर रास्ता में सामान आ रहा है, ट्रक पलट गया, उससे भी लॉस हो सकता है। खैर, मायने ये नहीं रखता है कि लॉस कितने तरह का होता है, मायने ये रखता है कि जिन गुड्स का लॉस्ट हुआ, जो गुड लॉस्ट हुए हैं, क्या वो गुड्स इंश्योर्ड थे, क्या उस गुड्स का इंश्योरेंस था या उस गुड का इंश्योरेंस नहीं था, मायने ये रखता है। तो बेटे देखेंगे, अगर जब गुड्स मेरा इंश्योर्ड है, तो सबसे पहले देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अगर कभी भी बिजनेस में लॉस होता है, तो यहां ध्यान देना, लॉस कभी भी अगर बिजनेस में बाबू बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस होता है, और लॉस घटता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिएगा बाबू, अगर गुड्स लॉस्ट बाय, और एग्जांपल ले लेते हैं फायर से, आग लगा और माल जल गया, तो आग लगा और माल जल गया बेटे, तो क्या एंट्री बनेगा देखिए। तो लॉस जो हुआ है सामान, वो किस चीज का लॉस हुआ है ध्यान देंगे, तो जो गुड्स हम लेके आते हैं, परचेज करते हैं, उसका लॉस हुआ है। तो परचेज जो करते हैं उसका लॉस हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, परचेज को ही हम लोग गुड्स बोलते हैं, यानी गुड्स का लॉस होना मतलब परचेज का लॉस होना। तो परचेज क्या होता है बिजनेस के लिए? परचेज बाबू बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा, परचेज का मतलब होता है बिजनेस में एक्सपेंस। अब एक चीज बताइए, जब हमारा सामान जल रहा है, तो एक चीज बताइए, ये हुआ क्या? और परचेज को हम लोग गुड्स बोल रहे हैं। गुड्स मतलब क्या? ये करंट एसेट्स है बिजनेस का, एक प्रकार से ये करंट एसेट्स है बिजनेस का बाबू। तो करंट एसेट्स, अब फॉर्मूला देखेंगे एसेट्स पे क्या लागू होता है। तो देखिए, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होता है। तो अब देखिए, गुड्स का मतलब होता है करंट एसेट्स, क्योंकि ये स्टॉक है। तो जब एसेट्स बिजनेस में जलेगा, तो एसेट्स क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? तो सर एसेट्स घटेगा, यानी परचेज अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि परचेज जो करके लाए थे वो मेरा माइनस हो रहा है। तो परचेज अगर मेरा माइनस हो रहा है, तो बाबू हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। देखिए, जब एसेट्स हमारा डिक्रीज होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। दूसरी ओर ध्यान दीजिएगा, ये जो आग लगा है तो लॉस बाय फायर, दूसरा टर्म होता है लॉस्ट बाय फायर। अब ये एक दूसरा टर्म आ गया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डबल डबल इफेक्ट पड़ता है। तो ये लॉस बाय फायर, ये क्या है बिजनेस के लिए बाबू? लॉस है। अब देखो, लॉस हुआ तो डेबिट, लॉस होने पे डेबिट बैलेंस होता है, समझे? तो एंट्री जो बनेगा, तो लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स, क्योंकि गुड्स के जगह परचेज वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा, कहानी नंबर वन, ये लॉस हुआ। कहानी नंबर टू, अगर इस गुड्स का इंश्योरेंस है, क्योंकि यहां पे इंश्योर्ड है, तो एक कंपनी जो है, देखिएगा, एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है इंश्योरेंस कंपनी, ये है सपोज करो आईसी इंश्योरेंस कंपनी, ये एक डेटर बन के मेरे सामने आ जाएगा। ये कंपनी क्या बन जाएगा मेरे लिए? डेटर। अब सारा लॉस का जिम्मा कौन ले लेगा बाबू, कि ये लॉस का भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, आईसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ये पूरा लॉस का भरपाई करेगा। यानी मेरे पास एक डेटर बढ़ गया, जो भी मेरा बिजनेस में लॉस हुआ है, उस लॉस को भरपाई करने के लिए मेरा डेटर बढ़ गया। डेटर मतलब क्या होता है? एसेट। तो देखिए, जब डेटर बढ़ जाए, यानी एसेट बढ़ जाए, डेटर मतलब एसेट, एसेट्स जब बढ़ जाए,
तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो दूसरा एंट्री जो बनेगा, फॉर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, जब क्लेम हमें एडमिट करना होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही आग लगा मेरा माल जला, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेके दौड़ते हुए तो नहीं आएगा, हमें क्लेम एडमिट करना पड़ेगा। क्लेम एडमिट मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमारे कंपनी में, सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी से हमारे कंपनी में कुछ आदमी आएंगे, एक मिनट, अब देखना बाबू, इंश्योरेंस कंपनी से हमारे कंपनी में कुछ आदमी आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वेयर, ये है अपना कंपनी, और यहां से सर्वेयर आएगा। सर्वेयर एक आदमी होगा जो सर्वे करेगा और चेक करेगा कि माल जला है कि नहीं जला है, इन सब चीजों को चेक करेगा। तो देखिए हम इंश्योरेंस क्लेम एडमिट करवाएंगे, तो हम नॉर्मली इंश्योरेंस क्लेम जो भी फुल अमाउंट होता है ना, जितना का माल जलता है वो सारा क्लेम हम लोग एडमिट कर देते हैं। अब जितना पैसा दे इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग क्लेम फुल अमाउंट जितना का यहाँ जला है उतना का ही क्लेम एडमिट कर देंगे। तो अब मेरे पास एक डेटर आ गया, यानी इंश्योरेंस कंपनी अब कह रहा है कि हम पैसा दे देंगे आपके लॉस का, तो डेटर बढ़ा, यानी इस कंपनी के पास यानी अपने कंपनी के पास एक डेटर प्लस हो गया, डेटर बोले तो एसेट प्लस हो गया। तो डेटर का बढ़ना क्या होता है बाबू, डेबिट। तो क्या लिखें, डेटर मेरा कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और जो लॉस हम मान के चल रहे थे, ये जो लॉस बाय फायर था मेरा, अब बताइए अब ये लॉस क्या हुआ, इस लॉस को अब मिनिमाइज कर देंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि डेटर आके बोल रहा है कि हम इस लॉस का भरपाई कर देंगे, तो इस लॉस को अब हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो लॉस देखो, लॉस जब घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। उसके बाद बाबू हम देखते तीसरा एंट्री, तीसरा एंट्री क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी अब तीसरा काम क्या करेगा बाबू, कि मेरा जितना का माल जला था ना, हो सकता है ये फुल अमाउंट भी दे सकता है, जितना का जला है वो पूरा भी दे सकता है, अगर उसका सर्वेयर ये प्रूफ कर देता है कि पूरा माल जला है तो फुल अमाउंट भी दे सकता है, अगर पूरा अमाउंट नहीं देता है तो पार्सली अमाउंट भी दे सकता है। अगर सर्वेयर को लगता है कि पूरा माल नहीं जला है, फोटो खींच के ले जाएगा वहां पे, एनालिसिस करेगा टीम और देखेगा कि अगर पूरा नहीं जला है तो हो सकता है लॉस 50,000 का हो और हमें 40,000 ही क्लेम मिल पाए, समझ गए ना, कुछ भी क्लेम मिल पाए। तो देखिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होगा तो या तो कैश में रिसीव्ड होगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, और नहीं तो अगर चेक से रिसीव्ड होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब देखो, अब बाबू इसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश या बैंक क्या होता है बिजनेस के लिए, एसेट होता है, और एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसीलिए इसको हम डेबिट करेंगे। अब दूसरा चीज देखिएगा, अब जो डेटर हमें एक बार पैसा दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें एक बार पैसा दे दिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस इंश्योरेंस कंपनी को यहां पे लाके माइनस करेंगे, यानी डेटर भी होता है बाबू एसेट। देखो एक बार एसेट्स जब हमें पैसा दे देता है तो मेरा डेटर खत्म हो जाता है, डेटर खत्म होने पे यानी एसेट्स से डेटर ये खत्म होने पे क्रेडिट करना पड़ता है। अब नीचे लाके हमें लिखना पड़ेगा टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी।
चलिए, अगर पूरा अमाउंट दे दिया है तो ठीक है, ये एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट, चाहे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, जब चेक से देगा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर पूरा अमाउंट नहीं दिया है, पार्शियली दिया है, तो पार्शियली दिया है बाबू तो जितना अमाउंट नहीं आया है, देखिए जितना अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, जो अमाउंट नहीं आया है अपने को, ये अपने लिए क्या हो गया बाबू, ये अपने लिए हो गया लॉस। जो अमाउंट नहीं आया वो हो गया लॉस। फिर लॉस को बढ़ने पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो फिर जो अमाउंट नहीं आया है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, डेबिट करेंगे। और ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम हमेशा कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, देखिएगा जब लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कीजिएगा, बाद में चल के हम लोग समझेंगे फाइनल अकाउंट में ये क्या होता है। अभी फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लॉस के केस में डेबिट करना है, और जब आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए तो आपको क्रेडिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, समझे। तो देखिए एक बार फिर समझिए इस एंट्री को। तो इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव्ड हुआ है बाबू, तो जितना रिसीव्ड हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे, नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट हमको नहीं आया है उसको हम यहाँ दिखा देंगे, और यहाँ पे फुल अमाउंट दिखाएंगे, फुल जो क्लेम हम किए थे, फुल क्लेम का जो अमाउंट है उसको हम यहाँ दिखाएंगे, समझे। तो ये था आपका लॉस ऑफ गुड बाय फायर, जब किस केस में, केस नंबर वन, जब इंश्योरेंस रहता है उस केस का, समझे। देखिए अब आपके सामने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट संख्या वन। बेटे देखिएगा इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स का लॉस्ट हुआ है किससे, आग लगने के कारण। कितने का सामान था, 50,000 का था। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा है, और इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला है, ओनली 40,000 गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो बेटे देखो, सबसे पहला एंट्री हर केस में आपको सबसे पहला एंट्री ये करना पड़ेगा लॉस बाय फायर का। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिएगा तो कितने का सामान जला है, पूरे 50,000 का। तो 50,000 का एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री होगा लॉस्ट बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करना होगा। चलिए लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करना होगा, और कितने से करना होगा बेटे, पूरे 50,000 से। फिर देखेंगे किस चीज का लॉस हुआ है, तो देखिए जैसे परचेज लिखा हुआ है तो गुड्स के जगह परचेज वर्ड यूज करते हैं, तो यहां लिख देंगे परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट में जाएगा हमारा परचेजेस अकाउंट। चलो पहला एंट्री तो ये हो गया बेटे, दूसरा एंट्री क्या बनेगा इसका, दूसरा एंट्री बनेगा इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम। अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट किया है तो मेरा डेटर बन गया, कौन डेटर बन गया, इंश्योरेंस कंपनी, तो डेटर जैसे ही बना तो डेबिट करना पड़ेगा हमको। तो यहां देखिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और हम लोग जब क्लेम करते तो पूरे अमाउंट को डाल देते क्लेम में, तो यहां देखिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर यानी हम अपने लॉस को क्या कर लिए बाबू, कम कर लिए। देखिए डेटर को हम लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया, तो डेटर को बढ़ाया तो डेबिट है, और लॉस मेरा कम हो गया, लॉस मेरा कम होने पे क्रेडिट होता है, यहां फॉर्मूला है लॉस, देखिएगा कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एक कंपनी आके मुझे कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी आके कह रहा है कि लॉस का मैं भरपाई कर दूंगा, इसीलिए तो मैं इंश्योरेंस लेके रखता हूँ कंपनी में, समझ गए ना। उसके बाद तीसरा देखिएगा बाबू, केवल 40,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी दिया है, तो सपोज करते चेक दिया है,
तो चेक जब भी देगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। तो चलो चेक दिया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में मेरा इतने का एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है बाबू? डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू, कितने का मेरा इंश्योरेंस कंपनी, डेटर मेरा कितने का था? 50,000 का था। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां देखिएगा, जैसे टू इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किया तो मैं अपने डेटर को खत्म कर दूंगा क्योंकि डेटर मुझे पैसा दे दिया। तो मैं लिखूंगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और देखिए कितना पैसा देगा, 50। लेकिन 50 में दिया कितना, 40। अब जो नहीं दिया बाबू वो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं आपको बताया हूं अगर लॉस मेरा बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो देखिएगा लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और कितने से, तो जो अमाउंट नहीं रिसीव्ड हुआ है उतने से हम डेबिट कर देंगे। तो ये था आपका जब गुड्स इंश्योर्ड रहेगा उस केस पे, यानी केस वन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, और इसी तरीका का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बाबू अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में क्या है, जब हमारा गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं रहेगा। तो देखिए गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा सामान जो है मेरे लिए लॉस हो गया, पूरा जितना का जितना जला है उस सब का सब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंट्री देख रहे हैं ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये सेम एंट्री कर देंगे यहाँ पे। एंट्री नंबर वन जो है बाबू ये सेम करेंगे, समझे? और एंट्री नंबर टू देखिए, एंट्री नंबर वन तो हम सेम कर देंगे। सेम करेंगे मतलब क्या, कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मेरा कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, तो कोई डेटर है ही नहीं, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, समझे? और एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो ट्रांसफर करेंगे, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे, एक मिनट, एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा एंट्री जो बनेगा बाबू वो देखिएगा। तो अब बताइए जितना का सामान मेरा जला टोटल क्या हो गया मेरे लिए, लॉस हो गया, समझ गया ना, 1 रुपए का भी रिकवरी नहीं है। तो साल के अंत में हम क्या कर देंगे, सीधा एक एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बताए हैं आपको कि लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, और टू जितना का मेरा लॉस बाय फायर था, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। तो देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जितना का माल जला बस यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री कीजिएगा, इसी एंट्री को दोहरा दीजिएगा यहाँ पे, हाँ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट यहाँ लिख देना है, और जितना का माल जला उस सबको अगर एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर करने को बोलेगा क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, तो ये वाला एंट्री एक कर दीजिएगा, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, खत्म केस। हाँ,